डियर स्टूडेंट्स, वी के जायसवाल वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 3 की सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन 6 to 11 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्डर्स। यहाँ पर हमारे पास 1 to 10 कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ ऑर्डर्स अपने को कैलकुलेट करने। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, जैसे कि HF, HCl, HBr और HI की अपन बात करें तो इसमें लुईस बेसिक करेक्टर यहाँ पर पूछा गया। तो सिंपली अपन इनमें एसिड्स की बात करें तो HF, HCl में से यदि आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, इसमें से H प्लस यदि आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा F माइनस, ठीक है। बट HI में से यदि आप H प्लस रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये I माइनस। और स्टेबिलिटी जो होती है वो बिग साइज एनायन की ज़्यादा होगी, इस वजह से हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का यदि अपन ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, HI की, देन HBr की, देन HCl, देन HF। यदि एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक होगा वह सबसे कम बेसिक होगा। यहाँ पर HI सबसे कम बेसिक हो जाएगा, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो इस बेसिस पे ये जो ऑर्डर दिया गया ये करेक्ट है, यानी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया CH4, CCl4, CF4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम। तो सेंट्रल कार्बन एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को देखनी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट, ठीक, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप CH4 मॉलिक्यूल को बनाइए, तो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नॉर्मल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, इसके 2.5 है, इसके 2.1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट आप यहाँ पर क्लोरीन लगा देंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा कार्बन क्लोरीन के बीच में, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आएगा, डेल प्लस चार्ज क्रिएट होगा। सिमिलरली CF4 में भी होगा। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो डेल प्लस चार्ज होगा वो और ज़्यादा होगा, ठीक। इस वजह से यहाँ पर यदि डेल प्लस चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमारा CF4 का ज़्यादा, देन CL4, देन CH4। तो ये ऑर्डर हमारा ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अपने को आयनिक रेडियस की बात करी गई है, तो आयनिक रेडियस अपन देखें यहाँ पर मैग्नीशियम 2+, यानी ये 10, ये नियोन लाइक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अपन K+ एंड S2- में देखें तो ये आर्गन लाइक स्ट्रक्चर है, और सेलेनियम 2+ ये हमारे पास किसके, क्रिप्टोन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन एक ग्रुप के, ग्रुप में टॉप टू बॉटम यदि अपन जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है। तो यदि अपन साइज बोलें तो नियोन की सबसे कम होती है, देन आर्गन, देन क्रिप्टोन। तो इसी बेसिस पे अपन इस ऑर्डर को भी लिखेंगे, ये हमारा रेडियस का ऑर्डर है। अब सबसे ज़्यादा जो साइज हो जाएगी वो हमारे पास किसकी होगी, सेलेनियम 2+ की। इसके बाद अपन K+ और S2-, ये दोनों के दोनों आइजो इलेक्ट्रॉनिक है। आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में हमारे पास जेड इफेक्टिव जो होता है, दैट इज़ Z-σ। अब Z-σ में सिग्मा तो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो जेड की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है और रेडियस डिक्रीज करती है। तो पोटेशियम और सल्फर में से एटॉमिक नंबर सल्फर का कम होने की वजह से इसकी साइज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सल्फर 2-, देन पोटेशियम प्लस, इसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम 2+। तो ये हमारा आयनिक रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा जो कि अपने को दिया हुआ है करेक्टली, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अपन आगे के स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या है कि निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। अब निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की बात करें तो ये अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है, ठीक है। इसमें 5D सीरीज में इनमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड लिखते हैं वो अपन लिखते हैं 5D सीरीज, देन 3D सीरीज एलिमेंट, देन 4D सीरीज एलिमेंट। इस बेसिस पे जो ऑर्डर होगा दैट इज़ प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम। तो ये ऑर्डर जो दिया गया है ये ऑर्डर अपने पास करेक्ट नहीं होगा। टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, वो सिंपल ट्रेंड यहाँ पर नहीं फॉलो किया जाता इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है आर्सेनिक 5+, एंटीमनी 5+ और बिस्मथ 5+, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो हमारे पास ये देखिए, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इसी में है, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट टॉप टू बॉटम यदि अपन जाते हैं तो ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, लास्ट NS2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, NS2 इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी स्टेबिलिटी में अपन बोले तो बिस्मिथ 3+ इज मोर स्टेबल देन बिस्मिथ 5+ टॉप टू बॉटम जाने पर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या बोला गया है कि टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी घट रही है, जब सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास +5 आर्सेनिक में होगी और बिस्मिथ में सबसे कम। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, KF और RBF, इसमें लैटिस एनर्जी का अपने को ऑर्डर बताना है। तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो हमारे पास किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? लैटिस एनर्जी सबसे पहले तो हमारे पास चार्ज पे डिपेंड करती है, Q+Q- अपॉन रेडियस पे। तो यहाँ पे चार्ज तो सब पे सेम है, बट यहाँ पे आयंस में अपन देखें तो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम और रुबीडियम, ये तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, जितनी ज़्यादा साइज होगी उतनी ही कम लैटिस एनर्जी होगी। तो लिथियम प्लस की साइज सबसे कम होने की वजह से लैटिस एनर्जी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेटेड रेडियस के। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेटेड रेडियस। अब हाइड्रेटेड रेडियस का सिंपल आप इस तरह से देख सकते हैं, जितना स्मॉल साइज हमारे पास आयन होगा यहाँ पर उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, यानी हमारे पास फ्लोरीन माइनस गैस आयन में अपन देखें तो इसकी साइज सबसे कम होती है, क्लोरीन माइनस, देन ब्रोमीन माइनस, देन आई माइनस। ठीक, बट यहाँ पर ये रेडियस का ऑर्डर है, पर यदि अपन हाइड्रेटेड रेडियस या हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिस पे आयन की साइज सबसे कम है वहाँ पे H2O मॉलिक्यूल सराउंडिंग में ज़्यादा आएंगे बिकॉज ऑफ मोर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियस होने की वजह से वहाँ पर उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है यानी सॉल्यूशन में मूव करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो फ्लोरीन माइनस की सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा आई माइनस की होगी, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे लिथियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर अपने को दिया गया है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि लिथियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ में साइज का ऑर्डर यदि अपन देखें तो क्या होगा। तो इन कैटायंस की साइज का ऑर्डर देखने के लिए आप कर सकते हैं कि हमारे पास पहले तो अल्कली मेटल्स अपन देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही है। फिर हमारे पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो इन सब पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2+ 2+ चार्ज। इसके अलावा हमारे पास दो और कैटायन लेंगे अपन, बोरोन 3+ और एल्यूमिनियम 3+। अब अपन जो ट्रिक यूज़ करेंगे दैट इज 111 22 1 2 1 2 3 2, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज का ऑर्डर। तो यहाँ पर अपन किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे कि हमारे पास टॉप टू बॉटम यदि आप जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो हमारे पास इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, 1-1 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों की सबसे ज़्यादा होगी, यानी सीजियम प्लस, देन रुबीडियम प्लस, देन K+। उसके बाद हमारे पास आएगा 2 वाले, तो यानी हमारे पास बेरियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+, तो यहाँ पर बेरियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+, फिर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ गया सोडियम प्लस, फिर हमारे पास 2 आ जाएगा दैट इज़ कैल्शियम 2+, फिर हमारे पास लिथियम प्लस, इसके बाद मैग्नीशियम 2+, और फिर हमारे पास एल्यूमिनियम 3+ और बेरिलियम 2+। ठीक, इन सब को
ऑर्डर अपन ने लिख दिया। अब ऑर्डर में अपने पास देखिए लिथियम प्लस यहाँ दिया हुआ है, फिर मैग्नीशियम 2+ यहाँ पे दिया हुआ है, और एल्यूमिनियम 3+ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये साइज का ऑर्डर है, यहाँ पे सबसे कम साइज जो है वो एल्यूमिनियम 3+ की है, तो यहाँ पर मोर हाइड्रेशन होगा। मोर हाइड्रेशन होने की वजह से जो रिलीज्ड एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कॉरस्पॉन्डिंगली ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी एल्यूमिनियम 3+ के केस में होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया है 9th में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज़्यादा होती है, यानी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, तो यहीं पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा दी गई है। फिर इसके बाद BeCl2, AlCl3 और SiCl4, लुईस एसिडिक करेक्टर। तो लुईस एसिडिक करेक्टर हमारे पास देखे तो Be2+ है, एल्यूमिनियम AlCl3 में एल्यूमिनियम 3+ है, और SiCl4 में सिलिकन +4 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारे पास इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है, इसलिए ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट्स कितने हैं ये काउंट कर लेते हैं अपन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट्स है 7, यानी एक्स की वैल्यू अपने पास दी गई है। और फॉल्स स्टेटमेंट्स की बात करें तो 10 स्टेटमेंट्स थे, 7 ट्रू है, तो बाकी 3 फॉल्स हो जाएंगे। अब अपन 7 - 3 का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन 6 का वो हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें बोला गया फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अमोंग द गिवन एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस। तो अपने पास यही सब देखने कि अपने पास कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कैडमियम की बात करें तो कैडमियम हमारे पास डी ब्लॉक है। इन सब के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है एन बी, इसके बाद है एन बी, एन बी अपने पास कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी ब्लॉक में। इसके बाद टेंटेलम की बात करें तो टेंटेलम भी हमारे पास यहाँ पर डी ब्लॉक में ही है। फिर टेल्यूरियम की बात करें तो टेल्यूरियम हमारे पास पी ब्लॉक में आ रहा है, यानी ये हमारा एक एस एंड पी ब्लॉक कैटेगरी में आ रहा है। इसके बाद रेडियम है, रेडियम भी हमारे पास एस ब्लॉक में आ रहा है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। मोलिब्डेनम की बात करें तो MO हमारे पास किस में आ रहा है, डी ब्लॉक में। पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम हमारे पास आ रहा है पी ब्लॉक में, तो पोलोनियम में हमारा आंसर हो जाएगा। पैलेडियम की बात करें तो पैलेडियम डी ब्लॉक आ रहा है। इसके बाद टेक्नीशियम, ये भी हमारे पास डी ब्लॉक में आ रहा है। तो केवल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, टेल्यूरियम रेडियम एंड पोलोनियम। तो टोटल 3 एलिमेंट्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है 8th एलिमेंट, इसमें बोला गया 8th क्वेश्चन, इसे बोला गया एन एलिमेंट एक्स हैज़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ के सेल इज N-5s2 एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट। आउटर मोस्ट सेल यानी NH सेल, पेनल्टी मेट का मतलब N-1, और एंटी पेनल्टी मेट का मतलब है N-2 में 2, 8 एंड 25 इलेक्ट्रॉन्स है रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट एक्स इन देयर ग्राउंड स्टेट, कि एक्साइटेड स्टेट में भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कोई भी एटम है उसके चारों तरफ यदि ऑर्बिट्स अपन बनाते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा जिसके लिए के, फिर एल, फिर एम और एन, इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर जो के लिए एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो 1 होता है। तो हमें जो बोला गया है कि जो के शेल है उसके लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है N-5s2। तो हमारे पास यदि के शेल जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं N-1 से, ये बराबर होता है किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के, तो हमारे पास N-5 को सॉल्व करोगे आप 1 के इक्वल रखे तो N 6 हो जाएगा। तो यानी आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो हमारा 6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे ही यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो 1s2, क्योंकि N 6 रखोगे तभी तो K हमारे पास 1s2 होगा, तो ये K सेल हो जाएगा। इसके बाद K के बाद L, M, N, O, P, ये N=1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 4, 5,
और ये 6, एन की वैल्यू अपन डिफरेंट डिफरेंट रख रहे हैं, तो इस बेसिस पे सबसे लास्ट में जो हो जाएगा वो आ जाएगा 6s2, दो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है एन माइनस फाइव एस टू के बेसिस पे अपन सोच रहे थे, या अपन ऐसे भी देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। इसके बाद 6s के बाद में यहाँ पे आते हैं 5s, 5p और 5d, इसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट 5s2, 5p 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 25 इलेक्ट्रॉन्स बोले गए इससे पहले वाले में, यानी हमारे पास यहाँ पर जो होगा 4s, 4p, 4d और 4f है, ये भी 4f भी आ जाएगा अप टू 6th पीरियड तक। तो अब इनमें अपने को 25 इलेक्ट्रॉन्स जचाने हैं, तो हमारे पास पहले तो इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन अरेंज इस तरह से करते हैं कि 4s में पहले भर दिया, उसके बाद में हमारे पास 4p 6, फिर 4d 10, बचे कितने हमारे पास 7, तो वो आ जाएंगे 4f7 में। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इससे पहले वाले जो भी सेल्स होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, कंप्लीट फिल्ड। केवल यहां पर जो अनफिल्ड है वो है 4f7। तो 4f7 में एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, 7, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 ऑर्बिटल्स यहाँ पर है, और 7 की 7 में ही हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए हैं। तो अपने को यही पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो कितने, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास 7 प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ 4f7। तो 8th का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, इसमें बोला गया इफ़ वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर आर माइनस हाफ जीरो प्लस हाफ, देन स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास माइनस हाफ है, जीरो है, प्लस हाफ है। स्पिन क्वांटम नंबर 3 होने का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास एक जो ऑर्बिटल होगा उसमें अपन 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये 0 स्पिन का मैं इस तरह सिंबल यूज़ करूँ और इसको इस तरह से, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास एक ऑर्बिटल में अकोमोडेट करेंगे। फिर अपने को बोला गया कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इफ़ ऑल अदर रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आर रिमेन सेम। तो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में अपन लॉन्ग फॉर्म में देखें तो वहाँ पर एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर पी सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं और डी सबशेल में भी जाते हैं, ठीक है। तो एस सबशेल में अपन देखें तो ऑर्बिटल्स एक होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और डी सबशेल में 5, और ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे, हमारे पास 1 × 3, एक में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हमारे पास अभी तक क्या हो रहा था, सिंपल S1, S2, S3 इस तरह से लिखेंगे आप, तो यहाँ पर 3 ग्रुप तो ये हो गए। इसी में P में अपन देखेंगे तो यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा, फिर D में देखेंगे तो 5 × 3 हो जाएगा। इन सब को आप समेशन करेंगे तो हमारे पास 3 + 9 + 15 ये 27 आ जाएगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 27। नेक्स्ट है 10th, इसमें बोला गया हाउ मेनी पेयर्स आर इन विच फर्स्ट स्पीसीज हैज़ लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन सेकेंड स्पीसीज। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात करें तो नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होने की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। सिमिलरली ब्रोमीन और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम और ब्रोमीन लेफ्ट टू राइट अपन जा रहे हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो ब्रोमीन की ज़्यादा होगी। बेरिलियम और बोरोन में बात करें तो बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है S2, और बोरोन का S2P1। इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास I और I माइनस की बात करें तो I माइनस और I, इसमें से हमारे पास किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा ईजी होगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन इजीली कंपेयर टू कोरस्पोंडिंग न्यूट्रल एटम, कि हमारे पास आई माइनस का ही अपन
न्यूट्रल एटम ले रहे हैं, तब हमेशा हमारा जो एनायनिक स्पीसीज होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा इजीली होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर किसकी ज़्यादा होगी, आयोडीन की ज़्यादा होगी। ठीक, इसी तरह से ये केस जस्ट अपोजिट हो जाता है कैटायंस के केस में। कैटायंस के केस में हमारे पास लिथियम प्लस और यहाँ पे लिथियम प्लस। अब ये जो है एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो ई बाई पी रेशियो डिक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, लिथियम प्लस। सिमिलरली ऑक्सीजन और सल्फर में बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर में टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। ग्रुप में नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है अलोंग द ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पर अपन देखें बेरियम और स्ट्रॉन्शियम में, तो बेरियम और स्ट्रॉन्शियम में अपन देखें तो ये भी ग्रुप की बात है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्शियम और बेरियम में किसका ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो कम जो हो रही है वो केवल इन दो केसेस में ही हमारे पास हो रहा है, फिफ्थ और सेवन्थ, इसलिए हमारा 10th का जो आंसर होगा वो होगा टू। बाकी सब पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकेंड से ज़्यादा ही है। नेक्स्ट इलेवंथ है, इलेवंथ है बोला गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच हैव ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन जीरो इन देयर कोरस्पॉन्डिंग स्टेबल कंपाउंड्स। कोरस्पॉन्डिंग स्टेबल कंपाउंड्स अपन बोल रहे हैं तो अपने पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को देखनी है, ये सभी अपने अपने एलिमेंटल फॉर्म में, तब तो इनकी जीरो हो ही सकती थी, उसके अलावा उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो केवल एक होनी चाहिए। जैसे कि सीजियम है, सीजियम हमारे पास एल्कलाई मेटल है, ठीक है, तो एल्कलाई मेटल्स मोस्टली क्या हमेशा ही प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखते हैं, तो ये हमेशा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखेगा। फिर इसके बाद बेरियम, बेरेलियम, स्ट्रॉन्शियम, इनकी बात करें तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन S2 होता है, इसलिए ये भी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे। फिर हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल, इसलिए यह हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा और वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, इसलिए माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। जिंक और एल्यूमिनियम, ये आपको ध्यान रखना है, जिंक का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन D10S2 होता है, इस वजह से जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके हमेशा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी तीन इलेक्ट्रॉन लूज करके हमारे पास नियोन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है और स्टेबल कॉन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है, तो ये भी केवल प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखेगा। बट गैलियम जो कि बोरोन फैमिली में आता है S2P1 कॉन्फिग्रेशन है, इसलिए ये प्लस वन स्टेट भी रख सकता है और प्लस थ्री स्टेट भी रख सकता है। सिमिलरली लेड की बात करें तो ये S2P2 है, तो ये हमारे पास प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है और मैक्सिमम प्लस फोर भी शो कर सकता है, जिसमें से प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू प्लस फोर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर अपने पास यही आइडेंटिफाई करना था कि कितने एलिमेंट्स केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को अटेन करेंगे, तो सीजियम हमारे पास ब्रोमीन, फ्लोरीन, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, स्ट्रॉन्शियम, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट जो हो जाएगा यहाँ पर वो 7 इज़ द करेक्ट आंसर।